हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद एक्सरसाइज नंबर 14.3। ओके, सो क्लास डाल देते हैं। क्लास है आपका एर्थ, सब्जेक्ट है मैथ्स। ओके, एंड एक्सरसाइज जो है हमारी वो है 14.3। ओके, और जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर सी पे थे और फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। am² + bm² + bn² + an² ठीक है सर। नंबर ऑफ टोटल टर्म्स जो हैं इस क्वेश्चंस में वो हमारे हैं 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4 अगर हम सर फर्स्ट टू टर्म्स को और लास्ट टू टर्म्स को अगर देखेंगे गौर से, तो हमको सर फर्स्ट वाले टर्म्स में एम स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और सेकंड वाले टर्म से एन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। हम कहेंगे बेटा फर्स्ट टू टू की पेयरिंग कर लो, फर्स्ट टू टर्म्स की पेयरिंग करो, लास्ट टू टर्म्स की पेयरिंग कर लो। फर्स्ट टू टर्म से आप एम स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ए प्लस बी, सेकेंड वाले टर्म्स से आपने बी एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या बी प्लस ए। भैया 6 + 7 या 7 + 6 क्या अलग अलग होता है क्या? नहीं सर। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ए प्लस बी, तो बचेगा क्या एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, सो आपका ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं बेटा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, LM + L + M + L, ठीक है। वन है, एल है, पता नहीं क्या है, एल ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है सर, जो ब्रैकेट वाला टर्म्स है सर, अगर उसको गौर से देखें सर, तो उसमें एल कॉमन दिख रहा है, और जैसे ही एल ही है क्या, एल ही है। ठीक है, अगर सर एल कॉमन ले लेंगे तो एम प्लस वन हो जाएगा, और सर सेकंड वाले में कुछ कॉमन नहीं तो एम प्लस वन एल ही रहेगा। तो अगर देखिए हम बताते क्या है, एल कॉमन लेंगे तो एम प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से तो एम वन कॉमन इन दोनों टर्म्स से, तो एम प्लस एल। अब सर ये देखिए ब्रैकेट कॉमन नहीं होंगे तो ये मेथड हो जाएगा गलत। तो सर सही मेथड क्या है, ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करके इस टर्म्स को लिखिए LM + L + M + L। ठीक है सर, ये बेटा वन है, सॉरी ये वन है आपका, ये एल नहीं, ये वन है, ये एल है आपका, ये वन है। ठीक है सॉरी, सो जो बताया था वैसा ही होगा। इस फर्स्ट वाले टर्म्स से एल कॉमन है, सो एल प्लस वन हो जाएगा, और सेकंड वाले सॉरी एम प्लस वन, क्या कर रहे हैं, एम प्लस वन, एंड फर्स्ट जो सेकंड वाला मैंने ब्रैकेट आपको बनाया है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं तो वन होगा एम प्लस वन। अब इन दोनों ब्रैकेट से क्या कॉमन है, एम प्लस वन और एल प्लस वन, हमारा रेस्ट टर्म्स हो जाएगा, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। 5y² - 20y - 8z + 2yz, ठीक है। फिर देखिए फोर टर्म्स हो गए तो टू टू की पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले टर्म्स से फाइव भी सर कॉमन दिख रहा है और वाई भी कॉमन दिख रहा है, 5y कॉमन हो गया, 5 तो कॉमन ही हो गया, यहाँ 2y थे तो कितने बचे 1, और यहाँ से 5 से अगर 20 को सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स कट होगा, 5 × 4 = 24 बचेगा। भाई 20 के जो फैक्टर होंगे क्या है, 5 × 4 है ना, 5 कॉमन हो गया, बचा गया 4, एंड y कॉमन ही हो चुका है, y - 4 ही बचा सिर्फ। ठीक, सेकंड वाले टर्म्स से सर माइनस, हमने 2 कॉमन लिया और 2 के साथ साथ z लिया। ठीक सो सर जब ये कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सर 2, 8 के फैक्टर 2 × 4 भी तो कर सकते ना, तो 2 तो कॉमन ही हो गया, बचा क्या 4। ठीक, और z कॉमन ही हो चुका है, माइनस 2 कॉमन ही हो गया, z भी कॉमन, तो बचा y। ठीक है सर, यहाँ पर देखिए 4 माइनस, अब देखिए 6 - 7 और 7 - 6 सेम नहीं होते हैं। ठीक है, सो सर ये y - 4 और ये 4 - y, ये सर टर्म्स सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। तो हम कहेंगे बेटा साइन अपोजिट है तो साइन को सेम कर लो। कैसे सर सेम करें, इन दोनों टर्म्स से हमने माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए तो ये जैसे ही माइनस कॉमन होगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में, भाई डबल माइनस कॉमन हो गया ना, और ये हो जाएगा y - 4। जो निगेटिव टर्म्स था वो पॉजिटिव हो गया, आगे हो गया, और जो पॉजिटिव टर्म्स था वो निगेटिव हो गया, पीछे हो गया। ठीक,
और ये वाला साइन आउटर का चेंज हो जाएगा। ठीक, अब y माइनस फोर सर कॉमन है, सो y माइनस फोर कॉमन हो जाएगा, बचा क्या 5y माई प्लस 2z। ओके, एक क्वेश्चन और बताएंगे इसका, 6 नंबर क्वेश्चन, टेन ए बी प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। ठीक है, फिर वो सर वही हम बताएंगे कि आपको 2-2 की पेयरिंग करनी होगी, तो फर्स्ट वाले टर्म्स से ये दोनों किस टर्म्स से, दोनों 10 और 4 कट हो रहे हैं, किसके टेबल में लाई करते हैं, 2 की टेबल में सर, और किसी की टेबल में लाई करते हैं, 3 4 की 5 की, किसी में से नहीं करते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा और वेरिएबल्स में a कॉमन दिख रहा है, तो 2a कॉमन हो गया, तो 10 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5, 2 तो कॉमन ही हो गया, बचा क्या 5, a कॉमन हो गया, बचा क्या b। इसी तरीके से 4 के फैक्टर जो होंगे 2 इंटू 2 होंगे, 1 2 तो कॉमन हो गया, बचा कितना 1 2, और a कॉमन ही कर चुके हैं तो कुछ भी वेरिएबल नहीं बचेगा, प्लस सर इन दोनों में कोई भी टर्म्स या वेरिएबल कॉमन नहीं है, ना कांस्टेंट टर्म्स कॉमन है, नंबर नंबर में कॉमन है, ना वेरिएबल में, तो 1 कॉमन होगा जहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा, ये हो जाएगा 5b प्लस 2। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर, 5b प्लस 2, और बचा क्या 2a प्लस 1। ओके, सो यही आपका आंसर हो जाएगा, और बाय, टेक केयर।